यहाँ लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 44 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, याले को पहले हम याले को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर इसको, पहले इतना हिस्सा सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए, 1000 में कितने जीरो हैं, 4। ठीक है, 4 जीरो हैं, तो 2 का 1 जीरो लिया, इन दो का 1 जीरो और 1 उतार लिया, तो ये 100 हो गया। इसका स्क्वायर रूट मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है, स्क्वायर रूट इसमें से हट गया। अब एक स्क्वायर रूट हट गया, याला स्क्वायर रूट हट गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमने लिख लिया 100 होता है। ठीक है, 4 का 2, ठीक है, और ये 44 अंदर लिखा रहा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अंदर लिखा रहा, और ये पूरा स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद क्या करा, प्लस हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, ये तो 4 ऐसे ही रहेगा, अभी ये 44 प्लस 100 ये 144 हो गया, लेकिन अभी स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, अब 144 की स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 12, आपको याद रखना है 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 इंटू 12 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट जब निकालना है तो उसकी जगह पर 12 लिख सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा ये सब। अब याला स्क्वायर रूट भी हट गया, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 12 होती है तो इसलिए लिख दी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 12 4 16। ठीक, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। क्लियर है, आंसर में वैसे प्लस माइनस 4 लिखना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट से जब भी वैल्यू बाहर आती है तो दो आती है, एक प्लस 4 एक माइनस 4, प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इस तरह का सवाल कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन एच डब्ल्यू है, जो कर लेगा वो आंसर कमेंट में करेगा, जो वही कर पाएंगे जो समझदार है।